अयोध्या के फैसले के बाद नगर में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही, लेकिन देर शाम पाला बाजार चौकी के समीप किन्नरों के साथ मारपीट की घटना सामने, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट रात को लिखी कार्रवाई की। एक्सटेंशन, दरअसल नगर के पाला बाजार स्थित किन्नरों के मकान का विवाद चल रहा था, जिसमें किन्नरों के हक में फैसला आया था, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा किन्नरों को प्रताड़ित कर धमकियां दी जा रही थी और देर शाम दूसरे पक्ष के द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई। मारपीट की खबर लगते ही पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। किराए से रहने वाले जफर द्वारा मकान पर मालिकाना हक जताने पर किन्नर अंजना ने न्यायालय की शरण लेकर केस दर्ज कराया था, जिसमें वो जीत गई थी, जिसके बाद 5 नवंबर को किराएदार द्वारा मकान की चाबी दे दी गई। लेकिन मकान के सामने जफर की दुकान है, उसे हटाने को कहा था। इस बात के जफर के पुत्र पिंटू, पिता जफर अली वे मौसी ने शाम को किन्नर के मकान पर पथराव किया और किन्नर अंजना मौसी के दाहिने पर पत्थर लगे और अन्य किन्नरों को चोट आई। पुलिस ने दोनों पक्ष पर कार्रवाई कर दी है। अंजना मौसी मैं बोल रही, मैं हम बैठे थे घर में, ये लोगों ने क्या करा कि पथराव चालू कर दिया पीछे से, समझे। हम भोले में बैठे हुए थे तो ये हमारा केस जो चल रहा था, तो मैं ऊपर से भी जीत गई। उसके बाद में फिर यहाँ लगाया था, नीचे यहाँ इंदौर से भी जीत गई, फिर वहाँ तो यहाँ से भी जीत गई। इसने अपील की थी, इसने अपील, क्या नाम है ये, इस जफर, पिता गौहर अली, हाँ, तो अपील ही ने किया था, यहाँ से अपील भी मैं जीत गई हूँ ना। हमको 5 तारीख को चाबी इसने दे दिया था, तो हम भोलाओं में थे, ये थोड़ी हमारे साथ में ऐसा करेगा। ये इसने अनजाने में आके हमको खतरा चालू कर दिए, हमारे साथ मारपीट हुई, हमारे किन्नरों को मारे उन्होंने, और उनके घर से हथियार भी निकले हैं, तलवार, फालिया, डंडा, ये सब उन्होंने जब्त कर लिए TI ने हमारे साथ में आके। क्या क्या होता आप लोगों के साथ आए दिन, क्या आए दिन के हमको मारपीट, रोडों पे बाजार मांगने के लिए जाते, मारते हैं, ठोकते हैं हम लोगों को, धमकियाँ देते हैं, गुंडे लगा देंगे पीछे, तुमको मरवा देंगे। आज भी आके हमारे घर पे उन्होंने हम लोगों को मारपीट करे, पत्थर मारे। क्या इच्छा है उसकी? कुछ नहीं इच्छा है, हम लोगों को मारता, पराफिटी लेना चाह रहा, हमारे जो बड़े बूढ़ों की पापेटी वो छीन रहा है, हम लोगों को धमकियाँ देते आए दिन का, हमारे पे पथराव किया। भैया आज इतना बड़ा देश में बवाल मचा हुआ था और इतनी पुलिस लगी हुई है पाला बाजार, उसके बाद पे भी हम लोगों पे हमला किया गया। कौन कौन से हमला करा? मोहसिन, पिंटू, जफर। किस कारण से हमला करा और क्या मामला? ये हम 4-5 जगह से केस जीत चुके हैं। 31 तारीख को हमको इसने चाबी दे दी और उसके बाद हमारे घर के चक्कर लगा रहा है, और हमारे किन्नर लोग कुछ आसपास के इलाके में हाट बाजार के लिए जाते हैं तो उनको ब्लैकमेल करता, रोकता है कि तुमको बताऊंगा, मजा चखाऊंगा। और ये हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी है, किन्नर समाज की प्रॉपर्टी है, भैया हमारे ट्रस्ट की है ये, और ये हमारे बहुत पुरानी चीज़ है हमारे पुरखों की, और इन लोगों ने किराए से रहते थे और कब्जा कर लिया। आज शाम करीबन 6 बजे के लगभग घटना है, पाला बाजार पर स्थित मकान विवाद के संबंध में किन्नर समाज और एक मुस्लिम समाज की महिला और उसके लड़के के साथ में आपसी में हाथ मारपीट हुई थी। किन्नर समाज के लोगों को और उनका केस कोर्ट में चल रहा था, माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विवादित मकान का फैसला किन्नर समाज को उसमें दिया, हक में दिया गया है। दोनों ही पक्ष अपना अपना उस पर अधिपत कब्जा बताते हैं। इसी बात को लेकर के आज शाम 6 बजे के लगभग दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की थाने पर आकर रिपोर्ट की थी, चोट लगने के कारण दोनों पक्षों की MLC वगैरह करवाई है और उन्हें रिपोर्ट लिखकर न्यायालय की समझ दी गई है।